जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा के 19वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ब्राह्मण वेद नीति कहते हैं, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को सुनाइए जिससे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवधुति को दर्शन दिए थे। तब लोमश जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्म उपदेश देने से जो प्रसन्नता होती है वही इस समय मुझे प्राप्त हो रही है। अब तुम उस पावन स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र से देवधुति ने भगवान को प्रसन्न किया था। वह सर्वप्रथम भक्त राज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से मुझे मिला वह है, हे विश्व स्वरूप, हे चक्रधारी, भक्ति प्रिय, हे दया अवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप स्तुति के योग्य हैं, स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है, भक्ति ही आनंददात्री है। जिसके श्वासों से साग और सूत्रयुक्त वेदों की उत्पत्ति हुई है उनकी प्रसन्नता हेतु इस स्थान पर हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति कहते हैं, जो वाणी और उनसे अगोचर हैं, उन प्रभु की स्तुति करना किसी की सामर्थ्य में नहीं। त्रिदेव भी आप ही हैं, ब्रह्मा बनकर आप उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप में पालते हैं और शिव रूप से संहार करते हैं। आप ही पर ब्रह्म हैं, हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप तो सदैव ज्योतिर्मान हैं, आप सुख और आनंद के देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हैं, आप तो अपनी कल्पना मात्र से सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। समस्त दोषों, विकारों, रूप आदि सभी से परे रहने वाले हैं। हे देव, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना रहती है, योगी जिनके सत्य स्वरूप से ज्ञान से ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिन्हें अहम ब्रह्मास्मि कहकर जप करते हैं, हे विष्णु, आपको प्रणाम है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी को अहम, ममता, अज्ञान, पाप आदि के नाश करते हैं उन्हें प्रणाम है। जिनके मुख से हर्षन भगवान का ही नाम निकलता है और वे जो आपके चरणों को ही आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही प्राणी के सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं, उन अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं को त्याग देते हैं, नाम को आधार बनाकर अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ और ज्ञानार्थ के द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक हैं। सत्य के आधार स्वरूप हे प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। जो धर्म रक्षा के लिए जड़ चेतन में निवास करते हैं, जो धर्म रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, जिनके ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मैं नमस्कार कर रही हूँ। हे सर्वज्ञ, आपने एक होते हुए भी अनेक स्वरूप देव रूपों में प्रकट किए, कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा रखा है। हे स्पष्ट रहने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। आपने जगत की रचना की है, माया में पड़ा प्राणी आपके स्वरूप को नहीं पहचान सकता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग ही रहते हैं, उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। पंच तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न जिस चेतन की उपासना हम करते हैं उसे सोबत तर्क के द्वारा क्षण भंगुरा बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं, सौख्य प्रकृति से अलग पुरुष हैं। उपनिषद समस्त आधार रहित मानती है। हे दिव्य पुरुष, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त चराचर के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ। अग्नि, छवि, इंद्र, हवन, यज्ञ, मंत्र, क्रिया, फल, सब कुछ आप ही आस्ती नास्ती हैं। समस्त जगत के कारण रूप आप ही मेरे आश्रय हैं। मैं आपकी भक्ति में रम गई हूँ। आपका शरण में आई हुई महानतम पापी भी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती जब तक वह आपकी शरण में नहीं आता। आपका स्पर्श असंभव है। संग और मोह से रहित मुनिजन ही आपको पा पाते हैं। हे दयालु भगवान, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। प्रभु कृपा से प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष और लक्ष्मी प्राप्त होती है। इन सभी के स्वामी प्रभु को नमस्कार है। जन्मादि भावों से रहित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष से दूर होने वाले श्री हरि को नमस्कार है। जो भगवान अज्ञान, अविद्या, पाप का नाश करने में असमर्थ हैं, उन प्रभु को नमस्कार है।
चराचर में व्याप्त सत्य रूप मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा कर आप मुझे दर्शन दें। हे विप्रवर, इस स्तोत्र के पाठ के द्वारा देवदूति ने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और उनके दर्शन प्राप्त किए। वह निरंतर इसी स्तोत्र का पाठ करता रहा। इस स्तोत्र के सुनने या कीर्तन करने से प्राणी को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को आत्मविद्या की प्राप्ति होती है, प्राणी की सभी इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं और उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं, उस प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से पुत्र पौत्र पौत्र धन आदि की वृद्धि होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से इच्छित कामना प्राप्त होती है। इसे सुनने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और पापों का नाश होता है, दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और समस्त व्याधियां सब खुद ही नष्ट हो जाती हैं। द्विजातियों को इसका पाठ करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र राजा और चोरों के भय से मुक्त होने के लिए इस स्तोत्र का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता, वह निर्विकार रहित हो जाता है, प्राणी की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इसे पवित्र योग सार स्तोत्र कहते हैं। इसका प्रतिदिन पाठ करने से प्राणी सभी लोकों में सुख प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ को जाता है। यह पाप नाशक स्तोत्र है। आगे लोमश जी ने क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक साधु था, उसका स्वभाव बड़ा ही अलग था। बोलता कम था और जितना बोलता था उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे, कोई चिढ़ जाता और कोई उसकी मांग सुनकर अनसुनी करके अपने कामों में जुट जाता। वह साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होता और पुकारता, माई अंजलि भर मोती दे दे, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा, ईश्वर तेरा भला करेगा। साधु की ये मांग सुनकर सभी स्त्रियां चकित हो जाती और कहती, बाबा यहाँ पेट भरने के लाले हैं, तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से देंगे? जाओ किसी राजमहल में जाओ, राजमहल में जाकर मोती मांगो। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को दया आ गई। बुढ़िया माई ने साधु को पास बुलाया और उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखा और कहने लगी, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी थी तो एक मोती मिला था, संभाल कर रखा था, तुम यही ले लो, मेरे पास तो एक ही मोती है, मेरे इस गांव से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ, आप कृपा कर इसे स्वीकार करो और हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया माई के हाथ में नन्हा सा मोती देखकर साधु बाबा तो हंसने लगे और कहने लगे, माताजी ये छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूंगा, आप ऐसा करो इसे अपने पास ही रखो। और ऐसा कहकर साधु बाबा गांव से बाहर निकल गए। दूसरे गांव में गए और फिर वहां पर हर घर के सामने खड़े होकर पुकारने लगे, माताजी अंजलि भर मोती दे दो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। साधु की बातें सुनकर उस गांव की स्त्रियां भी अचंभित हो गई और उन्होंने साधु को मोती नहीं दिए, साधु को मोती नहीं मिले, वे वहां से भी खाली हाथ जाने लगे। तभी साधु बाबा ने देखा दूर एक अलग सा घर था। साधु बाबा ने सोचा वहां पर भी जाकर देखता हूं। वह घर एक किसान का था। अब साधु बाबा उस घर के सामने गए और आवाज लगाई, माताजी प्याली भर मोती दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। उस घर में से किसान बाहर आया, उसने साधु बाबा के लिए बड़े प्रेम से साधु बाबा को नमस्कार किया, फिर उन्हें अपने घर के अंदर बुलाया। किसान के पास एक फटी सी चादर थी, वही बिछा दी और साधु बाबा से विनती की कि साधु महाराज पधारिए और विराजमान होइए। अब साधु बाबा बैठ गए, तब किसान ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान जरा बाहर तो आओ, देखो साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी बाहर आई तो उसने साधु जी के पैर छुए, पैर धोकर दर्शन किए। तब किसान बोला, देखो भाग्यवान साधु जी बड़े भूखे लगते हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था करो, एक काम करना अंजलि भर मोती लेना और उन्हें पीस लेना, उनकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। इतना कहकर किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय बाद किसान लौट कर आया, तब तक उसकी पत्नी ने भोजन बना लिया था। साधु बाबा ने पेट भरकर भोजन किया, तृप्त होकर साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसकर किसान से कहा,
बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारी बात याद आती रहे, इसीलिए मुझे कान भर मोती भी दे दो, तब मैं तुम्हें सदैव याद करूंगा। तब किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं तो अनपढ़ किसान हूँ, आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान से संपन्न हैं, तो आप हम दोनों को कान भर मोती दें, हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। तब साधु बाबा ने आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो बड़े विद्वान हो, इसी कारण तो तुमने मेरी इच्छा पूरी की। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। तब साधु बाबा ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर है। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर साधु बाबा आगे चले गए। सच्ची कहा गया है, जिस घर में अतिथियों का वास होता है, जिस घर में अतिथियों की सेवा होती है, वहां तो ईश्वर स्वयं अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, वहां तो स्वयं ईश्वर वास करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी
नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।